अपनी याद करती हुई है और बार बार हृदय में यही विचार आ रहे हैं कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन ससुराल के साथ नहीं जाऊंगी। जान हो रही है, एक ब्राह्मण पहुंच गए। बेटी क्या हो गया, काय को रोई? तुम्हारी शादी का समय है, खुशी का वक्त है, आंसू बहाने का मतलब? कहने लगी पंडित जी, ये शादी मेरे मर्जी के खिलाफ हो रही है। मेरा भैया जबरदस्ती मेरी शादी अपने साले से कर रहा है और मैं कन्हैया के अलावा दूसरे से शादी नहीं करूंगी। कन्हैया? हाँ। वो तो यहां कभी नहीं आया, तुमने कन्हैया को कहां देखा? देखा है। है? जब वो आए नहीं तो तुमने कहां देखा? देखा है, मैंने तो देखा है। पागल हो गई क्या? जब वो यहां कभी नहीं आया तो तुमने कहां देखा? बोली पंडित जी, मैंने सपने हरी सपने में श्याम को देखो है। बोली किनके हाथ भेजे पंडित जी, यहां कोई नहीं है मेरा। एक ऐसा आप ही कर दीजिए, मेरी चिट्ठी को भगवान तक पहुंचा दीजिए। पंडित जी बोले पहुंच गए। बुढ़ापा है, पैदल भी चला नहीं जाता, द्वारिका बहुत दूर है, हम तो रास्ता में ही मर जाएंगे। कहने लगी पंडित जी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, आप मेरी चिट्ठी को भगवान तक पहुंचा दो। कापन लिखे रुक्मिणी का प्रेम पत्र लेकर के बूढ़े से ब्राह्मण जिस समय चले हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन ही हो जाएंगे यही सोचकर आगे बढ़े हैं। दो चार कोस तो निकल गए, बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। पंडित जी ने सोचा रास्ता के किनारे बाग बड़ा सुंदर है, चला छोड़ो बाग में चलेंगे, थोड़ा आराम कर लें। सोचने लगे पंडित जी, दुपारी मिलवाई ले, अब दुपारी मिलवाई ले, आरे सुंदर देखे चुपी बल्कि
जी ने आसन लगाया सो गए। बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। और दोस्तों बुढ़ापे में पैदल ही नहीं, बुढ़ापे में तो भगवान की दया से कुछ होते नहीं, इंद्रियाएं अपना काम करना बंद कर देती हैं। देख के जवानी को इतनो इठलावे मती, देख के जवानी को इतनो इठलावे मती, क्योंकि आवे को बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे। लेटत पे खटिया की पाटी पे रहे गुहात और चलत में लठिया के लाल पड़ जाएंगे। वैसे तो बुढ़ापा हर आदमी से बड़ा प्यार करता है, जबरदस्ती आता है, बिना बुलाए आता है। पहले तो आता नहीं है और आ जाए तो छोड़ के जाता नहीं है, तब जाता है जब अपने साथ ही ले जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, पहलो सुख निरोगी काया, दूजे सुख होए घर में माया, तीजो सुख सुलक्षण नारी, चौथे सुख सुतयाज्ञाकारी, पंचम सुख नंगर है बासा, छठमा सुख पंचन है दासा। पहला सुख है जिसका शरीर स्वस्थ है, शरीर निरोग है, शरीर में कोई मर्ज नहीं, कोई बीमारी नहीं, तो उसके पास दौलत हो चाहे ना हो, लेकिन वो सबसे ज्यादा सुखी है जिसका शरीर स्वस्थ है। अब बुढ़ापे में जाकर के शरीर ही साथ छोड़ देता है, फिर किसी की अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। वैसे तो भगवान ने हर आदमी को एक समान समझा है, हर आदमी के पीछे भगवान ने चार आदमी लगाए हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे नेतर हो, अज्ञान हो, चाहे विद्वान हो, बलहीन हो, चाहे पहलवान हो, कमजोर हो, चाहे धर्मान हो, चार आदमी हर किसी के पीछे। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत।